नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे सचिन पायलट से। जी हाँ, क्या सचिन पायलट अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले, वो भी चुनाव से पहले? जी हाँ, इस तरह से बात क्यों कही जा रही है, सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत से कांग्रेस पार्टी आलाकमान नाराज है। राजस्थान में एक के बाद एक लगातार जिस तरह के दंगे हुए, एक के बाद एक लगातार जिस तरह की स्थिति बनी है, उसके बाद से माहौल जो खराब हुआ है राजस्थान का, उसके बाद से जो स्थिति खराब हुई है राजस्थान की, वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रही है कि फिलहाल राजस्थान में गहलोत के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नहीं संभाल पा रहे चीजों को। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सचिन पायलट को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, या सचिन पायलट को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में सचिन पायलट का पलड़ा राजस्थान में भारी पड़ रहा है। और फिलहाल जिस तरह सचिन पायलट का पलड़ा राजस्थान में भारी पड़ रहा है, जिस तरह से सचिन पायलट जो है वो लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहा है, ऐसे में देखा जा रहा है कि जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी है, जनता भी सचिन पायलट को खुलकर समर्थन कर रही है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर आने वाले समय में देखने को जरूर मिल सकता है। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई सचिन पायलट ही जो है वो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद संभाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।